नमस्कार, मैं हूं राजीव निशाना। आज हमारे साथ देश की जाने मानी गायक कलाकार नेहा सलवान जी हैं। हम सीधे उनसे बात करते हैं कि उन्होंने आखिर गायकी के अंदर पहली बार कदम कब रखा। नेहा जी, आपका स्वागत है समाचार वार्ता में। हम जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि सबसे पहली बार जब आप गायकी के क्षेत्र में आए तो कैसे आए, किसकी प्रेरणा से आए? जी, मैं अपने फादर की प्रेरणा से आई हूँ। मैं जब 2 साल की थी, मेरे को तब से ही गाने का बहुत शौक था और मैं लता जी के गाने गुनगुनाती रहती थी। तो मेरे फादर ने मेरी इस कला को पहचाना कि इसे सिंगिंग में बहुत ही इंटरेस्ट है, शौक है, तो उन्होंने मुझे फिर सिखवाना शुरू किया संगीत। तो मैंने अपनी गुरु श्रीमती रागनी प्रताप शर्मा जी, जो किराना घराना से हैं, उनसे तालीम लेनी शुरू करी। तो उनसे मैंने सीखा और धीरे धीरे मैंने फिर थोड़े मेरठ से मैंने स्टार्टिंग करा। तो मैंने पहले वहाँ परफॉर्मेंस दी, फिर मैंने धीरे धीरे दिल्ली बॉम्बे मैंने परफॉर्मेंसेस दिए। मैंने बहुत सारे परफॉर्मेंसेस दिए हैं। आप ये बताइए कि आपके जो है सबसे ज़्यादा रुचि किस तरह के गानों में रही है? क्या आप धार्मिक भजन जो हैं उनको गाना ज़्यादा पसंद करते हैं, या पॉप जो सॉन्ग हैं उनको, या किस तरह की अपनी एक अलग पहचान अपने बनाने की उस पर लगे हैं? जी, मुझे धार्मिक भी गाना बहुत पसंद है, गज़ल भी गाना पसंद है और मैं फिल्मी भी गाती हूँ। देखा जाए तो मैं सभी तरह के गाने बहुत पसंद करती हूँ। मुझे सिंगिंग से ही बहुत लगाव है, तो मैं हर तरीके के गाने गाती हूँ। मैंने भजन परफॉर्मेंसेस भी दिए हैं और गज़ल परफॉर्मेंसेस भी दिए हैं। तो लता जी की आपने कहा कि आदर्श मानते हैं, तो कभी लता जी से आपकी मुलाकात हुई? जी, अभी तक तो सौभाग्य नहीं प्राप्त है, बट कोशिश है। आशा भोसले जी से मैं मिल चुकी हूँ। जी, तो आगे लता जी से भी मिलने की मुझे आशा है कि मैं थोड़ा। आपको सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा गाना पसंद है या कौन सा ऐसा भजन पसंद है जो हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? मुझे लता जी का एक गाना है, मेघा छाए आधी रात बैरन बन गई निंदिया, वो बहुत पसंद है। उसकी 2 लाइन में आपको सुनाना चाहूंगी। मेघा छाए आधी रात बैरन बन गई निंदिया, मेघा छाए आधी रात बैरन बन गई निंदिया, बता दे मैं क्या करूं, मेघा छाए आधी रात बैरन बन गई निंदिया। मेघा छाए आधी रात बैरन बन गई ने दिया, बहुत खूब। अब हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को एक अच्छा सा भजन जी, ताकि कोई भी व्यक्ति जो देख रहे हैं, हमारे दर्शक हैं, वो उस भजन को गुनगुनाने लगे, ऐसा कोई भजन। जी, पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुम बिन हमरा कौन नहीं। सच्चाई है, प्रभु के बिना इस दुनिया में किसी का कोई नहीं है। एक ऐसा ही और भी भजन ऐसा जो आपको याद आ रहा हो, जो हमारे दर्शक भी उसे गुनगुनाए। अच्युतम केशवम। हाँ बिल्कुल। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। जानकी वल्लभम, सच्चाई है कि भगवान को कोई भाव से नहीं खिलाता, इसमें तो राय नहीं है। चलिए, भगवान की बात हो गई, अब हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को एक अच्छी सी गजल जो आपको काफी ज्यादा पसंद हो। जी,
एक गजल है, आज जाने की जिद ना करो। फरीदा खानम जी ने ये अंकुर जी के लिए गाई थी। एक अंकुर जी के लिए हो जाए। जी जरूर। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। अभी जाने की जिद ना करो, बहुत खूब। क्या कभी आपने भी ऐसा है कि जो बच्चे या किसी और लोगों को ऐसे को भजन या गाना कुछ सिखाया, जिन्हें कुछ नॉलेज ना हो, जानकारी ना हो? जी जी जी, गायन के बारे में। जी मैं अभी एक स्कूल में जॉब करती थी, तो वहाँ जब मैंने जॉब स्टार्ट किया तो बच्चों को बिल्कुल म्यूजिक में बिल्कुल भी उन्हें थोड़ा भी ज्ञान नहीं था, तो मैंने बिल्कुल ABCD से जिसे कहते हैं स्टार्ट किया, तो आज वो बच्चे इतना अच्छा गा रहे हैं कि कंपटीशन भी वो लोग अब जीत रहे हैं सिंगिंग में। बहुत खूब। तो ये मेरे ऐसा कुछ और भी आगे प्लान चल रहा है आपका कि जो बच्चों को बिल्कुल भी गायन के बारे में जानकारी नहीं होती या जो उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता कि वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाएं, क्योंकि आजकल व्यापार हो गया है, गायन के इंस्टीट्यूट बड़े बड़े खुल गए हैं, जहां तक लोग कई लोग ऐसे हैं जो बेचारे नहीं पहुंच पाते, लेकिन माँ सरस्वती की कृपा होती है, उनके पास जो स्वर बहुत अच्छे होते हैं, आवाज बहुत अच्छी होती है, मगर उनको लय में बांधने का क्या कोई जो है गुरु नहीं मिल पाता। तो क्या कभी आपका ऐसा प्लान है अंकुर जी के साथ मिलकर के कि उसको एक बड़े लेवल पर ऐसे लोगों को जिनका कोई गुरु नहीं बन पाया उनके गुरु बने आप? बिल्कुल बिल्कुल, हमने एक ऐसा अभी प्लान सोचा है, अभी हम लोग इस पे एक प्लान बना रहे हैं कि एक अच्छे लेवल पे संगीत की शिक्षा हम बच्चों को दे पाएं, और क्योंकि आजकल संगीत संगीत ना रह के एक व्यापार जिसे कहना चाहिए ज्यादा हो गया, तो हम उनको ऐसा संगीत दे जो एक संगीत जिसे कहना चाहिए, तो उन्हें बेसिक से एक अच्छा बेस से हम लोग उन्हें सिखाएंगे ताकि वो अच्छे निकल सके। जिन बच्चों में टैलेंट है, अच्छी वॉइस क्वालिटी है और कैचिंग पावर जिनकी अच्छी है, तो हम उन्हें अच्छा संगीत की शिक्षा देंगे, ऐसा अभी मेरा प्लान है। नहीं, बहुत अच्छा खैर प्लान है आपका कि उन बच्चों को गुरु मिलेगा, और हम भी दुआ करते हैं कि आपका प्लान जल्दी सक्सेस हो और पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेश में जिस प्रकार आप कई प्रोग्राम कर चुके हैं अब तक, जी जी, और वो विदेशों के अंदर फिर भारत का नाम हो और लोग आपको जाने, और इसी की दुआएं हमारे साथ आपके साथ हैं। हम चाहेंगे चलते चलते आप हमारे दर्शकों को एक अच्छा सा भजन वो सुना दें। जी, एक कृष्ण का भजन मैं सुनाती हूँ। हे मुरलीधर हे दामोदर कृष्ण मुरारी हे नट नागर, हे मुरलीधर हे दामोदर कृष्ण मुरारी हे नट नागर, भूल गए क्या बिनती सुनकर, भूल गए क्या बिनती सुनकर, हे मान मोहन हे करुणा कर, हे मुरलीधर हे दामोदर कृष्ण मुरारी हे नट नागर, अंधियार
राह दिखाओ हे नंद लाला, कैसे पार करूंगी तुम बिन, कैसे पार करूंगी तुम बिन, जीवन सागर हे करुणा कर, हे मुरलीधर हे दामोदर, कृष्ण मुरारी हे नटनागर, हे नटनागर, हे नटनागर। वाकई नेहा जी, काफी अच्छा भजन जो है वो आपने सुनाया, और हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी काफी ज्यादा पसंद आया होगा ये भजन, और आपने अपना कीमती समय समाचार वार्ता के लिए निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी नेहा सलवान, जिन्होंने अपना कीमती समय समाचार वार्ता के लिए निकाला, और आज हमने जानना चाहा कि आखिर इन्होंने कब गायन के क्षेत्र में आए और किस तरह से इन्होंने जो है आज अपना आदर्श माना हुआ है, और समाचार वार्ता की टीम पूरी इनको दुआएं देती है कि ये देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अच्छे अच्छे कार्यक्रम करें और भारत का नाम रोशन करें। आज के लिए इतना ही, फिर जल्द आपसे मुलाकात होती है। नमस्कार।